नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जाम्स का जो पेपर है वह भी बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में SBI PO प्री जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुआ है 20 नवंबर को, राइट, उसका एक कंप्लीट एकदम डिटो जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका एनालिसिस अपन यहाँ पर करेंगे। ओके, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया है, कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने अटेम्प्टेड जरूर शेयर कीजिएगा। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा कि सर किस प्रकार क्वेश्चंस थे और किस प्रकार लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक्यूरेसी कितनी थी जरूर बताइएगा। बट जितना मेरे को पता चला है, देखिए मेरे यहाँ पर एकदम सटीक एनालिसिस होता है, एकदम सटीक। ऐसा नहीं हो कोई क्वेश्चंस पूछा ही नहीं हो, मैं रैंडमली अपनी तरफ से बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना स्टूडेंट को पता था, जितना उसको याद था, उतना ही मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। आप पहले पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ सर ऐसा ही पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको भी कुछ जानकारी हो, कुछ आपको याद हो, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स है, नेक्स्ट डेज एग्जाम्स है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले, चैनल्स पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड करिएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एक सेकंड रुकिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, क्या क्या पूछा गया था इसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, एकदम सटीक एनालिसिस है, राइट, एकदम सटीक। कोई ऐसा नहीं है कि फ्रॉडिंग बेसिस पर, आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा। मैंने पूरा रिसर्च करके अच्छे से कम 2 से 3 स्टूडेंट को पूछ कर ये पूरा वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा, पहली चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पेपर का जो लेवल था, जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा है ना, सभी ने एक ही चीज कही है, सर मॉडरेट लेवल का पेपर था, राइट। मॉडरेट लेवल का पेपर पूरा कंप्लीट था, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं हो किसी भी स्टूडेंट के, या जैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन से नहीं अटेम्प्ट हो रहे थे, 35 35 मैथ और रीजनिंग में नहीं अटेम्प्ट हो रहे थे, 20 25 26 27 इसी प्रकार अटेम्प्ट हो रहे थे। ओके, तो देखिए पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, RC जिसको कहते हैं, जिसकी रीडिंग अच्छी है पैसेज करके ले जाएगा, राइट। क्यूरियोसिटी बेस पर टॉपिक था, यानी कि क्या आपकी जिज्ञासा है उसके बेसिस पर यह टॉपिक पूछा गया था। 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आई थिंक याद था उसको, 3 क्वेश्चंस वॉकअप बेस पर, यानी कि सिनोनिम्स पूछ लिया किसी का, एंटोनिम्स पूछ लिया किसी वर्ड्स का, मीनिंग पूछ लिया, तो उसके बेसिस पर थे। बाकी 5 क्वेश्चंस आपकी, 5 से 6 क्वेश्चंस पूरा का पूरा पैसेज बेस पर था। ओके, अगर ये सही है कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसी बेसिस पे पूछा गया था। वर्ड भी मेरे पास है जो मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। फिर आपके पैराजम्पल्स पूछी गई थी, 5 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए थे, राइट। एक माइथोलॉजी बेस पर कुछ मेरे को जानकारी जितनी मिली है कि माइथोलॉजी, राइट, उसके बेसिस पे पैराजम्पल पूछा गया था। ओके, फिर आपके कनेक्टर पूछे गए थे, जैसे व्हाइल हो गया, राइट, एक कनेक्टर उसको याद था, केवल वही जो पूछा गया था, व्हाइल एक कनेक्टर के बेसिस पे पूछा गया था, राइट। ओके, और भी क्वेश्चंस थे बट याद नहीं थे, 5 क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें उसको याद था केवल और केवल व्हाइल का। ओके, एरर डिटेक्शंस के 5 क्वेश्चंस थे, एरर फाइंड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चंस थे जिसमें डबल फिलर पूछे गए थे, राइट, डबल, सिंगल नहीं, डबल फिलर पूछे गए थे, याद रखिएगा। ओके,
फिर आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछी गई थी, दो तीन पूछी गई थी, बट दो तो उसको याद थी। ऐसा नहीं हो कि इसका वर्ड का मीनिंग दे दिया, ये इडियम्स दे दी, उसका अर्थ बताइए, नॉट एट ऑल। केवल और केवल पूरा सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस था, उसमें इडियम्स आपके डाली हुई थी। ओके, जैसे टेक ऑफ अप इन आर्म्स, ये आपकी इडियम्स पूछी गई थी। टेक ऑफ मतलब, टेक ऑफ मतलब आपके वह होता है किसी चीज की एक बुराई, राइट, उसको बोलते हैं टेक ऑफ, राइट। अप इन आर्म्स, ये आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछी गई थी। ओके, तो ये कंप्लीट इंग्लिश का रिव्यू था। पेपर का लेवल थोड़ा सा अप था, थोड़ा सा अप था, एसपीआई है डेफिनेटली, ऐसा पेपर तो मिलेगा। ऐसा नहीं है हलवा टाइप क्वेश्चंस मिले, देखते ही आप सॉल्व कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा लेवल रखा है एसपीए का, जो अपना क्राइटेरिया होता है। ओके, इंग्लिश में ओवरऑल्स में बात करूं कि अटेम्प्ट कितने अच्छे अटेम्प्ट रहने चाहिए, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने 20 से 23 तक भी अटेम्प्ट किए हैं, दिस इज द गुड अटेम्प्ट, ये आपके अच्छे अटेम्प्ट हैं इंग्लिश सेक्शंस में। ओके, और आप चेक कर लीजिएगा यही पूछे गए थे, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट देखे उनको एक बिलीव हो सके। ओके, तो देखिए अब जो वर्ड्स पूछे गए थे, एक पूछा गया था सुपरफिशियल, राइट, जिसका मतलब होता है टॉप अप, ऊपरी चढ़ाव, राइट, सुपरफिशियल, राइट। एक पूछा गया था प्रोग्रेस, उसका एंटोनिम पूछा गया था, आई थिंक उसको याद था डिटेरियोरेट एंटोनिम्स में, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर था। बाकी आप चेक करिएगा अपने एग्जाम्स दिए हैं, राइट, दो वर्ड थे सुपरफिशियल और प्रोग्रेस, ध्यान रखिएगा। ओके, और तीसरा वर्ड आई थिंक उसको याद नहीं था, कमेंट कर दीजिएगा क्या था तीसरा वर्ड। तो ये तो था पूरा का पूरा इंग्लिश का। नाउ अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। पजल पूछी गई थी आपके चार प्रकार की, जिसमें पहली पजल थी सर्कल बेस पर, जिसमें वेरिएबल्स दे रखे थे, साथ में छह लोग थे, आपको इनसाइड फेस कर रहे थे, और साथ में वेरिएबल्स भी दे रखा था। थोड़ा सा ट्रिकी था, दो पॉसिबिलिटी में क्वेश्चंस बना था, और एक वेरिएबल्स था जो आई थिंक फ्रूट बेसिस पर, फलों के बारे में दे रखा था। ओके, एक मंथ प्लस डेट की पजल दे रखी थी, राइट, जिसमें 10 पर्सन थे, उसको आपको अरेंज करना था, यानी कि 5 महीने 2 डेट्स दे रखी थी। ओके, एक डबल रो, एक आपकी साउथ है, एक आपका नॉर्थ है, 2 फिश हो गए, 6 6 पर्सन को अरेंज करना था प्रत्येक रो। ओके, डबल रो, एक आपकी कंपैरिजन पूछी गई थी कि सर एक कंपैरिजन बेसिस पे थी, तो मैंने लिख दिया है कंपैरिजन बेसिस पे, आप इसको एक बार करेक्ट करके बता दीजिएगा कि सही है या गलत है, कंपैरिजन पूछी गई थी या नहीं पूछी गई। एक पजल आई थिंक और पूछी गई थी, बट उसको याद नहीं थी, मैंने 4 पजल ही लिखी है, एडिशनल्स मेरा लिखने का कोई इरादा नहीं है, लिख दूंगा कि हाँ ये भी पूछा गया था, अपना ऐसा काम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पता थी, जो चीज़ आई थी, वही मैंने लिखी है, जो चीज़ नहीं पता है मैंने वहाँ पर हटा दिया। ओके, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट भी पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चन, और 3 जनरेशन दे रखी थी। ओके, ब्लड रिलेशंस के, तो ये टोटल्स आपके आई थिंक ये आपके माने 4 है, तो 20 इसमें से बने, 5 इसमें से बने, 3 + 3 = 6 इसमें से बने, टोटल्स आपके बने हैं 3 और 3, ओनली फॉर 3 है, नॉट 3, राइट, 3 क्वेश्चन ही है। ओके, 5 इसमें से बने, 3 + 3 = 6 हो गए, सॉरी 6 आपकी यह क्वेश्चन, 6 + 5 दैट इज द 11 + 20, 31 क्वेश्चन बने हैं। एक आई थिंक पजल होनी चाहिए या कुछ ऐस प्रकार का होना चाहिए, अपने को नहीं पता, सीधा मैं आपके सामने कहता हूँ। ओके, इतने क्वेश्चन थे, यही पजल पूछी गई थी, आपको अगर याद है कि हाँ सर यह भी क्वेश्चन था, बताइएगा, राइट। अब बेसिकली अपन बात करें रीजनिंग में, देखिए जिनका एग्जाम्स अभी पेंडिंग है ना, प्लीज प्रैक्टिस करिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल, जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा अपर रख रहे हैं,
रीजनिंग में पॉसिबिलिटी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ओके okay? तो प्लीज थोड़ा सा अभ्यास और कर लीजिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के, तो रीजनिंग में बात करूं 35 में से अगर आपने 25 से 27 अटेम्प्ट किए हैं, प्लस माइनस 2 हो सकता है, तो दैट इज द गुड अटेम्प्ट, एक अच्छा अटेम्प्ट है, सेफ अटेम्प्ट है, ओके okay? एक्यूरेसी 100%। नेक्स्ट है क्वांट सेक्शंस के, 3 DI पूछे गए थे, एक आपका लाइन ग्राफ था जिसमें एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, एक आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट दे रखे थे, और कैलकुलेटिव, ओके एक आपका टेबुलर DI था जिसमें टेबल्स फॉर्मेट में DI दे रखा था, याद रखिएगा, एक आपका कैसलेट पूछा था, मैंने करवाया है, मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जरूर डाउनलोड करके देखिएगा, अच्छे से मैंने वहां पर करवाया है कैसलेट DI, ओके तो ये 3 DI थे और थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है मैथ में, नंबर को पहचानते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस करके ले जाएंगे, अदरवाइज पेपर बहुत ज्यादा छूटा होगा मैथ का तो, ओके। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे, इजी थे बट थोड़ा सा टाइम टेकी और थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मांग रहे थे, यहाँ जिनकी प्रैक्टिस है ना, जो फर्स्ट टाइम गया हो, पहली बार पेपर गया हो, उसके तो एक तरह से कह सकते हैं पेपर अच्छा नहीं हो पाया होगा, ठीक, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस लगाए हैं, डेफिनेटली करके ले जाएगा, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5 क्वेश्चंस इसके पूछे थे, और लास्ट एंड फाइनल अर्थमेटिक, अभी तक जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, राइट, जो कह रहे हैं, जितना मेरे को पता चला है कि सर अर्थमेटिक तो बहुत ज्यादा, राइट, इट मीन्स अर्थमेटिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से ट्रिकी लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा था, राइट, तो स्टूडेंट ने केवल DI, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इतने ही अटेम्प्ट किए हैं, ना तो कोई अप्रोक्सीमेशंस है, ना ही कोई सिंप्लीफिकेशंस है आपकी, राइट, ना ही कोई आपके जो क्वांटिटी बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं, वह कुछ भी नहीं था, राइट। नेक्स्ट शिफ्ट में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बेसिस पे क्वेश्चंस बनाएगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा मैथ का रिव्यू था, आपको कोई मिसिंग नंबर सीरीज याद है कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके। मैथ की बात करूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 24 से अगर आपने 27 प्लस माइनस 2 अटेम्प्ट किया है तो अच्छे अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है, बढ़िया अटेम्प्ट है, ओके, विद 100% एक्यूरेसी ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल्स बात करूं तो अगर आपने 57 से 65 अटेम्प्ट किया है तो ही आपका अच्छा अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है। और एक बात और बताते चलो, जिनका एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, जिन्होंने एग्जाम्स अभी तक नहीं दिया है, प्लीज रिव्यू, आपको जो एनालिसिस मिलता है, चाहे आप कोई सा भी एनालिसिस देखें, राइट, एक बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस इट मीन्स क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या नहीं, अटेम्प्ट पे मत जाइएगा, फर्स्ट शिफ्ट में इतने हुए हैं, मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा तभी मेरा होगा, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए, कि केवल जो आता है वही कर दीजिएगा, ओके। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कोई भी किसी भी तरह का कमेंट, डाउट कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके। एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर मैंने बना रखा है, डाउनलोड करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, अगर आपके पास समय है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जिनका भी पेंडिंग है उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा, जो भी आए वह पहले करिएगा, क्योंकि तुक्के बिल्कुल मत मारिएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आ रहा है, ओके, तो धीरे धीरे फर्स्ट शिफ्ट है, धीरे धीरे थोड़ा सा मोटेट होगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।